जनपद के विभिन्न क्षेत्र पंचायत के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख एवं सदस्यों को शपथ समारोह के लिए मैंने समय दिया है। हरचंद कुंड विकासखंड और डलमऊ विकासखंड के बाद अब विकासखंड दिन सागौरा, जगतपुर, ऊंचाहार और सलोन में प्रमुखों को और उनके निर्वाचित सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ जाने के लिए मैं वहाँ उपस्थित हो रहा हूँ। और चूंकि ये हमारी कर्मभूमि रही है, डलमऊ की माटी से ही निकल करके मैं आज राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुँचा हूँ। जनसेवा मेरा मुख्य संकल्प रहा है और आज माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के संकल्प के अनुरूप हम सेवा भाव से हमारी सरकार समर्पित है। और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विकास की कड़ी में त्रिस्तरीय पंचायतों का बहुत महत्व है। हमारी ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें विकास को अमली जामा देने की वो कड़ी है जो हर विकास कार्य को और कल्याणकारी योजनाओं को आम व्यक्ति तक ईमानदारी से पहुंचाने का काम करती है। इसलिए मेरी अपेक्षाएं हैं कि नवनिर्वाचित हमारे त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रमुख और प्रतिनिधिगण, सर एक बयान आया है अमली जामा देने में अहम भूमिका मुनव्वर राणा का एक बयान आया सर, जिसमें भी यूपी छोड़ने की बात कर रहे हैं। मुनव्वर राणा का एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती तो यूपी छोड़ देंगे। अब मुनव्वर राणा जी बहुत बड़े शायर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। सपने सबको देखने का अधिकार है, अगर कोई मोहरी लाल के सपने देखता है तो देखना भी चाहिए। सपने वैसे भी हसीन होते हैं, इसलिए मुझे कोई गुरेज नहीं है। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसका जवाब तो वही देंगे। हम तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की कसौटी पर चल रहे हैं और लगातार चलते रहेंगे।